हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट की अगर आपको बुक का रिव्यू करना है कि उसका कंटेंट कैसा है और उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कितने ज़्यादा बेटर वे में एक्सप्लेन है या क्वेश्चन रिलेवेंट कितना है जो वहाँ पर मेन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे, तो मैं आज इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो अभी देख लेते हैं, हमारे पास एक बुक है, इस बुक का नाम है अरिहंत और ये सीटेट क्रैकर करके है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं, इसके अंदर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ का है, यानी कि पीआरटी लेवल के लिए है। और इसमें इन्होंने लिखा है कि ये 100% डिटेल्स हैं, इसमें सारी डिटेल मेंशन है और 2016 के सारे सॉल्व इसमें पेपर्स हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं सीटेट के लिए तो आई थिंक आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो इससे बहुत क्लियर हो जाएगा। तो एक बार इस बुक का हम प्राइस देख लेते हैं, इसका प्राइस कितना रहेगा। तो गाइज, इस बुक का हम प्राइस देख सकते हैं अभी यहाँ पे कि 175 रुपीज़ इस बुक का प्राइस है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, आपकी पढ़ाई से ज़्यादा तो महंगा ऑब्वियसली नहीं है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, आप इस बुक से पढ़ाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस बुक के हम कंटेंट को देख लेते हैं कि इसका कंटेंट कैसा है। आप देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है प्रैक्टिस सेट्स, ये सॉल्व पेपर है 2016 के, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स है पूरे, आपको पूरे 15 सेट्स मिलेंगे जो कि 224 पेज तक है, बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा अबाउट सीटेट दे रखा है कि सीटेट है क्या चीज़, और सीटेट के बाद इन्होंने पूरा दे रखा है कि सीडी जो है, सीडी का पूरा सेप्टेम्बर फैब, इन्होंने जो भी है पूरा कंटेंट उसको इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाइड किया है, एज यू कैन ऑल्सो चेक हियर। नाउ इंग्लिश का भी वैसे ही दे रखा है इन्होंने, आफ्टर दैट हिंदी का भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आफ्टर दैट ईवीएस का भी इन्होंने दे रखा है, ईवीएस पैडागॉजी और जो नॉर्मल है इसका, और सारा इसमें गिवन है। और इसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में पैडागॉजी के क्वेश्चन हैं और इसके वैसे भी हैं मैथमेटिक्स के जो मेन क्वेश्चन हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं हम कि जो पहला हमारे पास सैम्पल पेपर है ये 18 सेप्टेम्बर यानी कि 18 सेप्टेम्बर 2016 का है, और इसके क्वेश्चंस गिवन हैं, आप यहाँ पे क्वेश्चंस भी देख सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने इस क्वेश्चन को देखा, अब उसके बाद आप देख सकते हैं बाकी क्वेश्चंस भी गिवन हैं। मैं आपको बुक रिव्यू करा रहा हूँ तो इतना आपको थॉरली नहीं बताऊँगा गाइस, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बुक है, इस बुक का पेपर भी काफ़ी अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है। और इसके बाद मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं तो मैथमेटिक्स सेकेंड नंबर पर है, जिसमें से 60 यानी कि 30 क्वेश्चंस हैं, और 30 क्वेश्चंस ईवीएस के भी आपको मिल जाएंगे, और 30 चाइल्ड डेवलपमेंट के तो ऑलरेडी थे ही। उसके बाद इंग्लिश के भी 30 क्वेश्चंस हैं, एज यू कैन चेक। आफ्टर दैट आप देख सकते हैं हिंदी का भी आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएगा। और उसके बाद ये आंसर शीट है गाइस, आप आंसर शीट भी देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर शीट गिवन है, इसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे कि हाँ कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने और भी एक बेटर किया है कि उसको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे सॉल्व होगा, मतलब पूरा का पूरा अगर आप गलत हो रहे हैं कहीं पर तो आप यहाँ पर चेक करके अपने आप को सही कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा ये। उसका जो सेकेंड यहाँ पे सैम्पल पेपर आ गया, आप देख सकते हैं। तो ऐसे टोटल इस बुक में 15 सैम्पल पेपर्स हैं, जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग में ही इस चीज़ के बारे में देखा था, और लास्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं सैम्पल पेपर्स, उसकी खास बात यह कि यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन करके दे रही है, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक या दो सैम्पल पेपर ऐसा होगा जिसमें इन्होंने जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी तो इन्होंने सारे एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हैं। तो ये रही पहली बुक का रिव्यू। और गाइस, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो टाइम को बचाने के लिए आप OMR शीट ले आइए, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं OMR शीट का, मैं भी आपको लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रही आपको OMR शीट में दिखा रहा हूँ, इस OMR शीट पर आपको गोले भरना है, आप गोले भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना टाइम लग रहा है आपको, और आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी फिर वो, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में इतना आपको लगेगा कि हाँ आपने गोले तो भरे हैं, आपको इतना ज़्यादा सोचने के लिए आप मजबूर नहीं होंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे ईजिली आप मैनेज कर पाएंगे और इतने नर्वस भी नहीं होंगे। तो एक बुक तो मैंने आपको रिव्यू करके दिखा दिया गाइस, अभी मैं एक बुक और आपको दिखाता हूँ। अगर आप सेकेंड टाइम में कर रहे हैं
और थर्ड टाइम में, तो एक बुक ये है, आप इस बुक को भी कर सकते हो। और गाइज मैं एक चीज़ आपको पहले बताना चाहता हूँ, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैंने इस बुक से पढ़ाई की है और ये काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए, शायद आप भी इस बुक से पढ़ के कुछ सीख सकते हैं। तो ये दूसरी बुक है, ये भी पेपर वन की ही है, इसमें टोटल जो है 1300 पेपर्स है और ये जून 2011 से जुलाई 2019 तक है, यानी कि ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए और ये अपडेटेड है, और ये अगर अपडेट है तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। और इसके लास्ट में आप जैसे देख सकते हैं 10 OMR सीट भी है जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं इस OMR सीट से। और जो इसका प्राइस है गाइस, आप देख सकते हैं बुक का जो प्राइस है वो है 339 रुपीज़, बट ये बुक इजीली आपको 250 तक मिल जाएगी। इसके ऊपर आप इस बुक का के पैसे ना दे तो ज़्यादा बेटर है, और आपको बुक सेलर दे भी देगा बुक इतने में। अब इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख लीजिए आप, तो इसके जो कंटेंट्स हैं देख लीजिए, गिवन है आप सारे, इधर भी आप देख सकते हैं कि आप जो प्रैक्टिस सेट है, थोड़ा सा इन्हें यूनिक फीचर ऑफ द बुक दे दिया कि बुक का और क्या क्या यूनिक फीचर्स हैं, सारे इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं हमें। तो इसके बाद हाउ टू टेक प्रैक्टिस सेट्स, यहाँ पे ये भी इन्होंने बता रखा है, और मैं बेस्ट आंसर के बारे में भी इन्होंने बता रखा है। तो काफ़ी कुछ है गाइस इस बुक में, एग्जाम डे स्ट्रेटजी की वहाँ पर आप जाते तो आपको कैसे करना है, और थोड़ा सा सीटेट के बारे में बता दिया, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस भी इन्होंने पूरा बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हमारे, आप देख सकते हैं सीरीज का क्वेश्चन है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है असेसमेंट का, असेसमेंट आप देख लेते हैं, असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट शुड बी डन ओनली इन टर्म ऑफ मार्क्स, शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, या फिर फोर्थ है शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, हम सबको पता है, अगर हमने डीएलएड किया है, जीबीटी किया है या फिर बीएड किया है तो हमें इतना नॉलेज है, इसका आंसर फोर्थ होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, अप टू डेटेड है और हमें काफ़ी अच्छा नॉलेज दे रहा है ये बुक। और इसमें एक सीक्वेंस भी है, जैसे पहले सीडी, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स, अब उसके बाद देख सकते हैं ईवीएस एंड देन इंग्लिश और फिर हिंदी। और अगर आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर का भी जो सीक्वेंस होता है, आप अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ भी बिल्कुल यही सीक्वेंस चलता है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, और इस बुक को उन्होंने, आपको जैसे पता 30 क्वेश्चंस होते हैं एक सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे टोटल 150 हो गए और टाइम भी आपका 150 मिनट्स ही होता है। यहाँ पे इन्होंने आपको सॉल्व दिखा दिया, आपको ये सॉल्व जो पेपर है 2019 का आंसर की भी दे दिया, उसका इन्होंने इस पूरी बुक को एक्सप्लेन भी कर दिया, आई मीन जो ये पूरी बुक में ही इन्होंने एक्सप्लेन किया है जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, बट अभी पर्टिकुलर हम अगर इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप देख सकते हैं गाइस, इन्होंने सारे के सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद ये सॉल्व पेपर है, ये दूसरा हो गया 2018 का है, इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं। तो ऐसे अब हमारे पास पूरी बुक है, और पूरी बुक के जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, अगर आप ये बुक खरीद के लाएंगे तो आपको पता चलेगा काफ़ी अच्छी बुक है। और इस बुक के लास्ट में आपको OMR सीट भी मिल जाएगी, जैसा कि उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था, उन पर ही इन्होंने दिया था कि इसमें 10 OMR सीट है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी देख लेते हैं गाइस, पेपर ये है प्रैक्टिस टेस्ट वन, ये रहा आंसर शीट प्रैक्टिस टेस्ट 1 to 10, ठीक है। अभी ये हमारा जो लास्ट पेपर है, यानी कि जो लास्ट शेट था, इन्होंने जो आपको पता ही होगा अभी इन्होंने हमें बोला था कि टोटली हमें जो प्रैक्टिस शेट देंगे वो 10 है, आप देख सकते हैं ये 10th है और 10th के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, और इसके आंसर्स भी आपको मिल ही जाएंगे, जरा आपको आंसर की इन्होंने दे रखा है, आंसर की के बाद इन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया है, पूरा एक्सप्लेनेटरी पार्ट दे रहा है, एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो काफ़ी अच्छी बुक है गाइस, अगर आप लेना चाह रहे हैं आप इस बुक को, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप बिल्कुल परचेज कर लीजिए। बट इस चीज़ को याद रखिए, मैं किसी ऐसे बुक के लिए नहीं बोलूँगा कि आप इसी बुक को ही लीजिए, या मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच गाइज़।